नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक नया सा वीडियो टॉपिक लेके। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है Realme 5। ये रहा Realme 5। Realme 5 का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका फुल फीचर्स पर में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका कैमरा और बैटरी भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट करके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, उन लोगों के लिए फिर एक बार हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टॉक शान। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये येलो बैग, ये है Realme 5 का बॉक्स, ठीक है, जो कि फ्लिपकार्ट से आया है। अभी इसे फटाक से अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा कटर, अभी करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है कैश मेमो, ठीक है। तो इस कैश मेमो को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिलता है Realme 5 का बॉक्स, ठीक है। तो पैकेट को साइड पे रखते हैं। ये रहा दोस्तों बॉक्स, जो कि दिखने में कमाल का है। यहाँ पे दिखाया लिखे है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, जो कि है Realme की तरफ से, Realme 5, 5000 mAh बैटरी। हाँ दोस्तों, इस फोन का खासियत है 5000 mAh बैटरी एंड इसका 4 कैमरास, ठीक है। और इसका लुकिंग जो है क्रिस्टल कलर का होगा। मैं ब्लू कलर का, मेरा जो फोन है ये ब्लू नहीं है, पर्पल कलर का होगा। तो आई थिंक ये इसका जो बैक साइड होगा इसका पर्पल कलर का, ये उतना अच्छा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, फटक से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फोन कैसा आया है। ओके, हे वेलकम टू Realme फैमिली। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक बैक कवर होगा। ओके, ये रहा 2 लव लेटर जो Realme की तरफ से मिलता है। ओके, इसे साइड में रखते हैं। ये है बैक कवर, बहुत हार्ड है यार, थोड़ा हार्ड बैक कवर है। सो ब्लैक कलर का है, अच्छा है, इसे साइड में रखते हैं अभी। ओके, सो ये रहा Realme 5। ओके, इसे खोलते हैं। ओके, सो हैंड पे है अभी Realme 5, जो कि कमाल का लग रहा है। इसका जो वेट है ये थोड़ा ज्यादा वेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है और इसका जो 4 कैमरास है ये दोस्तों बहुत ज्यादा पेस ले लेता है। इसीलिए ये जो फोन है अभी देख रहे हैं आप, ये उतना थीन नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा फोन है, इसका वेट जो है वो भी थोड़ा भारी है ये फोन। ओके, अभी चलिए जल्दी से करते हैं इसे ओपन और देखते हैं इस फोन में क्या क्या फीचर्स है। ओके, Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये बहुत अच्छा है और इसका जो स्क्रीन साइज है 6.5 इंच का स्क्रीन साइज है। और यहाँ पे ऊपर पे मिलता है आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कैमरा, इसका चेक करेंगे और इसका फ्रंट कैमरा, इसका बैक कैमरा सब कुछ चेक करेंगे। अगर इसका पीछे का लुक देखते हैं तो कहीं कमाल का लुक्स है, ठीक है, पर्पल कलर का है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्टल कलर का है। अगर आप ब्लू कलर का फोन लेते तो आपका क्रिस्टल जो है वो बहुत अच्छा से दिख पाता है, लेकिन ये क्रिस्टल कलर का फोन है इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वारंटी पीरियड है, मैं ऐसे उठा देता हूँ। ओके, तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है बहुत ही अच्छा स्क्रीन रेजोल्यूशन है, HD क्वालिटी का फुल 1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ठीक है। इसका इसका अगर आप वॉलपेपर देखे, इसका थीम देखे तो बहुत ही क्रिस्टल कलर का थीम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। सो अभी हम लोग इस फोन का स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हम जाते हैं सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद जाते हैं हम लोग अबाउट फोन पे। सो कहाँ है अबाउट फोन देख लेते हैं, ये रहा है अबाउट फोन। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका डिवाइस नेम ये है, मॉडल नेम। अगर इसका एंड्रॉइड वर्सन देखिए तो यहाँ पे 9 है एंड्रॉइड वर्सन। सो चेक कर लेते हैं थोड़ा। ओके, ये पाई वाला एंड्रॉइड वर्सन है। ओके, बहुत अच्छा लगा कि पाई एंड्रॉइड वर्सन इन्होंने दिया है। यहाँ पे अगर हम रैम की बात करते हैं तो 4GB रैम है। इसका डिवाइस स्टोरेज जो है 64GB डिवाइस स्टोरेज है, ठीक है। अभी हम लोग इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है इस फोन का बैक कैमरा। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बैक कैमरा है इसका 4 कैमरास दिया है। ये जो कैमरा है ये है 12 मेगापिक्सल का, ये है 8 मेगापिक्सल का, ये है 2 मेगापिक्सल का, ठीक है, 12, 8, 2, 2। सो ये 4 कैमरास है। सो यही इस फोन का खासियत है कि इस फोन में आपको 4 कैमरा मिलेगा, ठीक है, 4 कैमरा। और इसके साथ आपको मिलेगा इस फोन में 5000 mAh बैटरी। ओके,
5000 mAh बैटरी एंड 4 कैमरास, यही इस फोन का खासियत है। तो चलिए दोस्तों अभी इस कैमरा को चेक कर लेते हैं थोड़ा। ओके सो इसका बैक कैमरा जो है, अभी एक फोटो ले लेते हैं और देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। ओके दोस्तों ये रहा इसका कैमरा, ठीक है, बहुत ही क्लियर पिक्चर आ रहा है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह है बहुत ही क्लियरली इसका पिक्चर आ रहा है, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पिक्चर क्वालिटी है इसका। और इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत जो है, इस फोन में आपको बहुत सारे कैमरे की सेटिंग्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नाइट सेव, पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लेप्स, स्लो मोशन बहुत सारे मिलेगा, जैसे कि अभी सभी फोन में मिल रहा है। सो थोड़ा नाइट सेव पे भी देख लेते हैं कि कैसा पिक्चर आता है। ओके सो नाइट से पिक्चर भी बहुत ही अच्छा है अभी, ठीक है। सो ये है विदाउट नाइट मोड और ये है नाइट मोड, सो दोनों ही पिक्चर बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो अभी हम लोग इस फोन का फ्रंट कैमरा चेक करते हैं, ठीक है। सो मैं फ्रंट कैमरा से एक फोटो ले लेता हूं दोस्तों, अब थोड़ा वेट की। सो देखिए दोस्तों इसका जो सेल्फी है बहुत ही क्लियरली आता है और इसका लाइट विजन जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि अभी तो रात है, रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी मेरे घर में बहुत सारे लाइट है, ये नहीं, मेरे घर में सिर्फ एक लाइट है और एक लाइट को जलाकर मैं ये फोटो खींचा हूँ। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा फोटो आ रहा है और इसका अगर आप क्लियरिटी देखें तो बहुत ही क्लियर फोटो है इसका, ठीक है। तो सेल्फी भी बहुत अच्छा है और इसका बैक कैमरा जो है वो तो अच्छा ही है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का है, ठीक है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और इसको बैक साइड में आपको मिलता है 4 कैमरास, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, उसके साथ यहाँ पे एक LED फ्लैश भी मिलता है। और दोस्तों इस फोन का एक खासियत जो है, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट जो है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं पे मुझे लगता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में फोन ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिलता है बैक साइड पे फिंगरप्रिंट जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं अभी एक फिंगरप्रिंट दिया हूं तो आप चलिए देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट कितना अच्छे से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये मैं फिंगरप्रिंट दिया और ये खोल गया, ठीक है, ये मैं फिंगरप्रिंट टच किया खोल गया। सो ये मैं फिंगरप्रिंट टच किया फोन ओपन हो गया। सो देखिए दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट जो है काफी जल्दी काम करता है। सो दोस्तों ये जो फोन है बहुत ही अच्छा फोन है। इसका अगर हम प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, सो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को इस फोन में प्रोसेसर मिल जाता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका प्रोसेसर कितना अच्छा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको मिलता है। इस फोन का बजट जो है 10,000 बजट है, उसमें आपको मिल रहा है 4GB रैम। दोस्तों 10,000 बजट में 4GB रैम मिल रहा है, उसके साथ आपको मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, उसके साथ दोस्तों आपको मिल रहा है 64GB स्टोरेज। हाँ दोस्तों 64GB स्टोरेज है जो कि आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256 तक, ठीक है। सो प्रोसेसर इतना अच्छा है, रैम भी इतना अच्छा, इसका स्टोरेज जो है ये भी अच्छा, उसके साथ आपको मिल रहा है दोस्तों बैटरी जो कि है 5000 mAh का बैटरी। दोस्तों 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, उसके साथ आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे, और दोस्तों 6.5 इंची का फुल HD प्लस डिस्प्ले, उसके साथ बैक में आपको मिल रहा है 4 कैमरास, ठीक है। सो 10,000 का बजट में ये जो फोन है बहुत ही अच्छा फोन है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि फोन थोड़ा भारी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा सा मोटा फोन है, क्योंकि इसका ये जो कैमरा है और इसका जो बैटरी है इसके लिए ये फोन थोड़ा सा मोटा है और इसका हाइट भी थोड़ा ज्यादा है। सो वो मैटर नहीं करता है कि फोन कितना वेट है, इसका कितना मोटा है, लेकिन फोन का फीचर जो है, फोन का स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो दोस्तों इस फोन को हम साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं इस फोन के अंदर और क्या क्या है इस डिब्बे के अंदर, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी डिब्बे में मिलता है एक डेटा केबल, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर के है, बहुत ही अच्छा है और दूसरे डेटा केबल से थोड़ा बड़ा भी है। यहाँ पे दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों इसका जो डेटा केबल का पॉइंट है यहाँ, ये टाइप सी नहीं है, ठीक है, टाइप सी डेटा केबल नहीं है, ये जो है ये सिंपल नॉर्मल डेटा केबल है जैसे कि दूसरे फोन में होता है। और यहाँ पे एक चार्जर मिलता है जो कि ओप्पो की तरह दिखने में लगता है, व्हाइट कलर का है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी ब्रांड आपका लिखा हुआ है। सो ये चार्जर, ये डेटा केबल, और दोस्तों यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा नन्ना सा पिन जो कि इस फोन को खोलने के लिए है, इसका सिम स्लॉट जो है, इस फोन का सिम स्लॉट खोलने के लिए है। सो यहाँ पे खोल के भी देख लेते हैं कि इसका सिम स्लॉट कैसा है। सो दोस्तों ये रहा सिम स्लॉट खोल रहा है अभी। दोस्तों
ये रहा दोस्तों सिम स्लॉट जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। यहाँ पे दो सिम यूज कर सकते हैं आप, उसके साथ यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे हम लगा देते हैं। सो दोस्तों इस फोन में और कुछ नहीं है, इस डिब्बे में भी और कुछ नहीं है। ये जो फोन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो फोन है काफी कमाल का फोन है, क्योंकि इसका बजट 10,000 है। उसके 10,000 में आपको मिल रहा है दोस्तों 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी जो कि आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256GB तक। उसके साथ आपको मिल रहा है 5000mAh का बैटरी। हाँ दोस्तों 5000mAh का बैटरी। उसके साथ सेल्फी कैमरा जो है इसका 13 MP का। इसका बैक कैमरे की हम बात करें तो चार कैमरास मिल रहा है दोस्तों, चार कैमरास मिल रहा है। उसके साथ रिलेटिव फ्लैश भी मिल रहा है, 6.5 इंची का फुल नॉच डिस्प्ले मिल रहा है, और इसका सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप भी है। सो दोस्तों 10,000 में ये बहुत ही अच्छा फोन है। सो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा, और रियलमी 5 के फीचर्स के बारे में आप लोग डिटेल्स में जाने। अगर रियलमी 5 के बारे में कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो नीचे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना। उसके साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहता है नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।